नमस्कार दोस्तों, एजुटेक रोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी के ईपीएफओ के जो रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं। यहाँ पे देखने के लिए आपको जाना है यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स का जो सेक्शन दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ठीक से, ये वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट फाइनल रिजल्ट्स पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट टेस्ट फाइनल रिजल्ट्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 421 पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर ईपीएफओ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है। चलो फिर से डाउनलोड करते, फिर भी तो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोटिस के साथ आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट भी दिया गया है, वो भी ध्यान से आपको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूड कैंडिडेट्स के जो कट ऑफ मार्क्स है, और मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स जो है वो अपलोडेड होंगे कमीशन वेबसाइट पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और विद इन 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डेज लगेंगे कट ऑफ मार्क्स और जो इंटरव्यू के मार्क्स मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर नेम वाइज यहाँ पे दिया गया है, सीरियल नंबर, रोल नंबर और नेम यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर जो है वो चेक कर लीजिए, या फिर नेम से भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज जो सिलेक्शन दिया है वो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे टोटल 12 पेजेस का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपने रिजल्ट्स का। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो सारा पढ़ लीजिए ध्यान से। और आप, आई होप कि आपको समझ गया आया होगा कि आप कैसे रिजल्ट देख सकते हो। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपके काम का होता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।